सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च यानी सोमवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी साझा करे। कोर्ट ने कहा 21 मार्च की शाम तक SBI शपथ पत्र दाखिल कर कहे कि कोई जानकारी छिपाई नहीं गई। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारियां साझा करने को लेकर अब तक कई तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें, पहले यह सवाल सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के सामने जानकारी साझा न करने को लेकर उठाए। वहीं फिर इसके बाद दूसरा सवाल ये उठा कि जैसी जानकारियां साझा की गई हैं, उसमें ये मालूम नहीं चल रहा कि किसने किस राजनीतिक दल को कितने रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिए हैं। इन सवालों के जवाब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मिलने लगे, मगर एक सवाल अभी भी कायम है। सवाल पर बाद में आएंगे, लेकिन इसके पहले आपको बता दें राजनीतिक दलों और इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले चंदे के बारे में। दरअसल बीजेपी पार्टी को मिले हैं 6,986 करोड़ रुपए, TMC को मिले हैं 1,397 करोड़ रुपए, कांग्रेस को 1,334 करोड़ रुपए, BRS को मिले हैं 1,322 करोड़ रुपए, BJD को मिले हैं 944 करोड़ रुपए, वहीं DMK को मिले हैं 556 करोड़ रुपए। वहीं साथ में आपको बता दें इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स में किन कंपनियों ने सबसे ज्यादा खरीदा और किस कंपनी ने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के जरिए चंदा दिया है, जिसमें पहले नंबर पर आती है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जिसने 1,368 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। वहीं दूसरे नंबर पर है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसने 966 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। तीसरे नंबर पर है क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, 410 करोड़ रुपए का चंदा। वेदांता लिमिटेड 400 करोड़ रुपए का चंदा। वहीं हल्दिया एनर्जी लिमिटेड ने 377 करोड़ रुपए का चंदा दिया है, और ये लिस्ट इसी तरह से जाती जा रही है। लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जो अभी भी बरकरार है, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड पर राजनीतिक दलों ने क्या कहा और क्या नहीं, इसके बारे में सवाल उठ रहे हैं। दरअसल राजनीतिक पार्टियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चंदा देने वाले की जानकारी साझा की गई थी, उसे अब चुनाव आयोग ने सार्वजनिक किया है। यह जानकारी सील कवर में साझा की गई थी। DMK को सबसे ज्यादा चंदा करीब 509 करोड़ रुपए फ्यूचर गेमिंग कंपनी से मिला है। DMK को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कुल 556 करोड़ रुपए मिले हैं। DMK उन कुछ राजनीतिक दलों में से एक है जिसने चंदा देने वाले की जानकारी साझा की है। BJP, कांग्रेस, TMC और आम आदमी पार्टी ने ये जानकारी चुनाव आयोग से साझा नहीं की थी। आपको बता दें BJP ने कहा था कि चंदा देने वालों के नाम का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। TMC और जनता दल यूनाइटेड यानी JDU ने 2018-19 में चंदा देने वालों की पहचान सार्वजनिक नहीं की थी। JDU ने दो चंदा देने वालों के नाम बताए थे, ये नाम श्री सीमेंट और भारती एयरटेल के हैं। TMC ने किसी भी चंदा देने वाले का नाम नहीं बताया। TMC ने इस बारे में कहा कि कई सारे बॉन्ड्स हमारे पार्टी कार्यालय में ड्रॉप बॉक्स में डाले गए हैं या पार्टी समर्थकों के जरिए हम तक पहुंचाए गए हैं, हमारे पास चंदा देने वालों की जानकारी नहीं है। JDU ने ऐसा भी कारण चुनाव आयोग को दिए गए जवाब में बताया था। खबरी चौखट की रिपोर्ट।